जेंटलमैन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 5 टी-शर्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी वार्डरोब एसेंशियल्स हैं। इसके अलावा आपको कोई 6 टी-शर्ट की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग विद नंबर 1, प्लेन व्हाइट टी-शर्ट, सॉलिड टी-शर्ट आए, बिल्कुल क्लासिक एवरग्रीन टाइमलेस। ब्लैक के साथ डालो, डार्क ग्रे के साथ डालो, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, जिस मर्जी के साथ डालो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। नंबर 2 इज दिस मेलॉन्ज ग्रे और यू कैन कॉल इट लाइट ग्रे टी-शर्ट। बहुत ही समरी, बहुत ही कूल सा इफेक्ट देती है, समर्स में स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे, एक तो ये मैंने वी नेक डाली है, जो पिछले वाले थी दैट वाज क्यू नेक। वी नेक डालने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपकी ओवरऑल शोल्डर्स ब्रॉड लगते हैं, चेस्ट थोड़ी हाईलाइट होती है, इससे आप ओवरऑल जो है थोड़ी वी शेप आती है आपकी बॉडी की फ्रंट से। अगर आप देखो डेनिम मेरी है, इसको मैं लाइट ग्रे टी शर्ट है लाइट डेनिम के साथ डाल रखा है। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली क्या होता है कि लाइट ग्रे के साथ डार्क डेनिम, या हमने अगर वाइट टी शर्ट डाली तो हम कहते हैं कि चलो ब्लैक डेनिम डालो लाइट के साथ डार्क, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, आप लाइट के साथ लाइट डेनिम डाल के देखना, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, थोड़ी सी फ्रेश लुक देती है। आप इसको डार्क के साथ भी कैरी कर सकते हैं, ब्लैक डेनिम के साथ भी बहुत सुंदर लगती है, बट थोड़ा वेरिएशन अगर आप देते रहो, थोड़ी सी ऐसे लाइट के साथ लाइट डाल के देखना, समझ में स्पेशली। कमिंग टू नंबर 3, माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेन ब्लैक टी शर्ट। लेट नाइट पार्टीज, इवनिंग्स में आपने कैजुअल पार्टीज में डालना है, डेट पे आपने जाना है, जब मर्जी डालो, बहुत ज़्यादा एकदम से सेक्सी फील देती है आपको, बहुत ज़्यादा बढ़िया टी शर्ट है। अगेन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, डार्क टी शर्ट डार्क डेनिम, एंड आप इसको डेनिम्स के साथ डालो, शॉर्ट्स के साथ डालो, सबके साथ डालो, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। नंबर 4 इज दिस ऑलिव ग्रीन टी शर्ट, जो विंटेज वॉश के साथ है, आपकी वॉर्डरोब में ज़रूर होनी चाहिए ये भी। जनरली मैं जितने भी मेरे क्लोथिंग है वो ग्रेज, वाइट्स, ब्लूज, ब्लैक्स में होती है, सिर्फ यही एक ऐसा कलर है अपार्ट फ्रॉम दैट कलर्स जो मैं अपनी वार्डरोब में ज़रूर रखता हूँ। अब आप इसमें भी देखोगे, ये ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, मीडियम कलर है, ब्लू कलर है, थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट के साथ, और इसको भी आप शॉर्ट्स के साथ अगेन डेनिम्स के साथ डालो। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस पोलो नेक टी शर्ट, नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट है। अब मैंने राउंड नेक, वी नेक सारी कवर कर ली टी शर्ट्स, एक पोलो नेक भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए टी शर्ट। इसको आप यू कैन वेयर इट एज अ बिजनेस कैजुअल्स, बहुत बढ़िया लगती है ये भी टी शर्ट। और मैंने अब जैसे आपको सारे की सारी टी शर्ट्स कवर कर ली, थोड़ी सी मैं रूल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्टार्टिंग विद नंबर 1, सबसे पहला रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी आप टी शर्ट्स वेयर करें यहाँ से आपका थोड़ा सा ट्राइसेप एरिया एक्सपोज होना चाहिए। नेक्स्ट रूल इज गाइस, नेवर बाय टू एक्सपेंसिव टी शर्ट्स। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, ये जो मैंने टी शर्ट डाली है दिस इज 3-4 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मली जो मैं वेयर करता हूँ पोलोस। अब इसका जो फैब्रिक है नो डाउट उससे थोड़ा सा बेटर है, इतना भी बेटर नहीं है कि आप इतने ज़्यादा उसके लिए पे करें। और रही बात कलर फेड होने की बात है, तो दिस इज 100% कॉटन गाइस, कोई भी आप कॉटन टी शर्ट लो, कुछ भी लो कॉटन लो, उसका कलर फेड होना ही होना है 8-10 वॉशेस के बाद, दिस इज नेचुरल। कॉटन के ऊपर आप कोई भी आर्टिफिशियल कलर डालोगे उसमें अपने आप वो होना ही होना फेड। रही बात ब्रांड्स की गाइस, आप कोई भी ब्रांड डाल सकते हैं, नॉर्मली जो मेरी क्रू नेक या राउंड नेक है वो मैं कैप कंपनी की डालता हूँ, आप ज़ारा की या H&M की भी डाल सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू जो मर्जी आप ब्रांड वेयर करें। और जो पोलोज हैं वो मैं H&M की वेयर करता हूँ, क्योंकि H&M की जो पोलोज हैं वो चीप है इन टर्म्स ऑफ प्राइस इन कंपेरिजन टू कैप और ज़ारा के। आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़।